सो ही गाइस एक्सट्रीम है, स्वागत है आप सभी लोगों का आज प्राइमल फेयर में फिर से। एंड मुझे पता है वीडियो काफी लेट है, इसका रीजन है मेरे कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे थे बहुत सारे। और तुम लोगों को अगर सच बताऊं तो मैं बहुत सारी चीजें यहां पर भूल चुका हूं कि मैंने ऑफ कैमरा क्या क्या किया था। ये आर्मर दिखाया था क्या मैंने? ये अल्फा डायनोस के हाइट से बना हुआ आर्मर है जो कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग है, बट इस मॉड के डायनोस के खिलाफ तो नहीं टिक सकता। और हाँ गाइस, इस बंदे को देखो, इस एनपीसी को, ये जो है थोड़ा बहुत काम करता है यहाँ पर। और नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो, इसका काम ये कलेक्ट करना नहीं है, सिर्फ इसके लिए मैं कोई बंदा रख सकता हूँ क्या काम पे? बट रख सकता हूँ, वैसे तो मुझे ये गंदे काम नहीं पसंद। बट ये जो है हमारा आइटम कलेक्टर है, इसको मैंने रखा है यहाँ पर अंडे कलेक्ट करने। बट ये एक्टिवेट क्यों नहीं है भाई? आई थिंक डीएक्टिवेट करके रखा था मैंने शायद। तो ये जो है आसपास के सारे डायनोस के अंडे कलेक्ट करता है, इसका रेंज काफी दूर तक है। और अंडों के साथ साथ ये डायनोस के फीसिस भी कलेक्ट करता है। और ये देखो अंडे आ गए यहाँ पर, और ये ऑटोमेटिक इन फीसिस को जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है। इसका नाम क्या था मैं भूल चुका, कॉम्पोस्ट बिन। हाँ, तो देखो इसने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पर। इसके पास जो बच्चे कुचे है वो भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये देखो इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑलरेडी। मेनली तो इसका काम अंडे उठाना ही है, क्योंकि नहीं तो अंडे डिस्पॉन हो जाते हैं। और ऑफ कैमरा, हाँ मैंने दो पैरेट भी टेम किए थे, इसे तो तुम लोगों ने वीडियो में देख लिया था, फायर पैरेट। मैंने ये आइस पैरेट और इलेक्ट्रिक पैरेट टेम किया था। इसका लेवल उतना कुछ खास नहीं है आइस पैरेट का, बट ये इलेक्ट्रिक पैरेट काफी ज्यादा लेवल का है, 257। मैंने ये माइनिंग ड्रिल भी बनाया था जिससे कि काफी अच्छी माइनिंग हो जाती है। ये चीजों को काफी एफिशिएंटली करता है, जैसे कि ऑब्सिडियन क्रिस्टल वगैरह। और एफिशिएंट के साथ साथ इससे चीजें ज्यादा भी मिलती है। और हाँ, मुझे याद है मैंने एक डम हरकत भी की थी, मैंने यहाँ पर जो है एक ग्रीन हाउस बनाया था। लेकिन ये ग्रीन हाउस बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की धूप ही नहीं आती, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो 0% ही रहेगा। मैंने यहाँ पर लॉन्ग ग्रास का फ्रूट भी लगा दिया था, तो इससे लॉन्ग ग्रास नहीं आया अभी तक, क्योंकि आज हम लोग पकड़ने वाले हैं एपेक्स डाइनो को, जिसका किबल बनाने के लिए मुझे लॉन्ग ग्रास चाहिए, और लॉन्ग ग्रास भी हमें उगाना ही पड़ता है। एंड फाइनली मैंने यहाँ पर एक केमिस्ट्री बेंच और जनरेटर बना दिया था, और इसको पावर भी मिल रहा है। इसमें जो है हम लोग ज्यादा स्पीड से और ज्यादा क्वांटिटी में ये सारी चीजें बना सकते हैं। ओके, तो ऑफ कैमरा की बातें तो हो गई। आज मुझे जो है दो काम करना है मेनली। पहला, मुझे टेम करना है कुछ और एलिमेंटल डायनोस को, जैसे कि मुझे ये कलेक्शन पूरा करना है पैरेट्स का। एंड दूसरा और मेन काम, आज हमें एपेक्स डायनो टेम करना है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और हाँ, ये चीज तो मैं बताना भूल गया, ये मैंने एक सोल गन बना लिया था। इससे जो है हम लोग कोई भी एनिमल को ऐसे कैप्चर कर सकते हैं बॉल में, उसके सामने बॉल ले जाने की जरूरत नहीं होती बेसिकली। और ये कहाँ पर आ गया, ये रहा, तो ऐसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ काम की चीजें हैं मुझे तो नहीं लगता। तो एलिमेंटल डायनोस को टेम करने से पहले मैं तुम लोगों को इन दोनों के पावर भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली मुझे तीनों को ही दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि फायर पैरेट का भी पावर मैंने नहीं दिखाया था पिछले वीडियो में, उसका सैडल मैंने ऑफ कैमरा बनाया था। तो कोई अच्छा सा टेस्ट सब्जेक्ट ढूंढते हैं, ये टेरानोडॉन सही रहेगा। अगर मैं इसके सामने जाके ऐसे राइट क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे थंडर मारता है, और इसका डैमेज काफी ज्यादा है, 2200। और अगर मैं लेफ्ट क्लिक का हमला करता हूँ तो इसका डैमेज होता है 2350। लेफ्ट क्लिक वाला जो है सिंगल अटैक है, और ये ऐसे चारों तरफ बिजली फेंक सकता है ये राइट क्लिक से। तो राइट क्लिक वाला अटैक बेसिकली थोड़ा एरिया कवर करता है। और यहाँ पर एपेक्स रैप्टर है, तो गाइस देखो आइस वाले पैरेट से हम लोग ऐसे जमा सकते हैं अपने एनिमीज को। और वैसे इसका हमला ज्यादा क्यों है? ओके, ये प्राइमल टेक रैप्टर है, 2,00,000 का हेल्थ है इसका। वैसे इसका मिली डैमेज ज्यादा क्यों है भाई? इसका तो 50 लेवल है सिर्फ, उसका 200 लेवल था, बट उसका इतना ज्यादा डैमेज तो नहीं हो रहा था। 5,000 का डैमेज दे रहा है ये। मरा। बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं सोच रहा था कि वो रैप्टर थोड़ी और देर फ्रीज रहेगा वहां पर, बट वो 2,00,000 हेल्थ वाला रैप्टर मेरे ही बेस के सामने स्पॉन हुआ। देखो एकदम दरवाजे के सामने, वो भी, ये रहा वो प्राइमल टेक रैप्टर। नहीं, इससे तो दूर ही रहते हैं फिलहाल। ओके, दरवाजे से अंदर ना घुस जाए बस। तो इस फायर वाले रैप्टर को यूज करते हैं। फायर वाला रैप्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं, पैरेट। तो इसका 2000 का डैमेज है। मुझे नहीं पता वो आइस वाला इतना ज्यादा डैमेज कैसे दे रहा था, उसको तो लेवल बहुत कम था, उसका उतना ज्यादा डैमेज होना सेंस नहीं बनाता। वैसे ये देखा तुम लोगों ने 2000 करके इसके कितने डैमेज लगे। तो इस महाशय को जो है मुझे बेस से हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने का एक तरकीब तो है मेरे पास। मुझे चाहिए अपना रूडोल्फ, क्योंकि गाइस इसके पास एक अटैक है जो कि एनिमीज को दूर हटा सकता है। और अब भाई वो मेरे दरवाजे के सामने आ गया था, इसको हम लोग ऐसे अगर मारे तो। तो देखो गाइस ये रैप्टर यहाँ पर चला आ गया है, उतनी दूर से मैंने इसे यहाँ भेज दिया। रुको, फिर से एक और बार मार के देखते हैं। वो देखो वो कहाँ पर चला आया, ये रहा ये रैप्टर। ये रूडोल्फ का ये वाला अटैक सच में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सारे डायनोस को दूर कर सकता है हमारे बेस से। तो खतरनाक डायनोस से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसे मैं समुंदर में भेज देता हूँ, मैंने बहुत सारे डायनोस को पहले ही समुंदर में भेजा है।
रुको भेजते हैं ऐसे। हेलो ब्रदर कहाँ पर गया? सो आई डोंट नो वो कहाँ पर गया, बट अभी जहाँ पर भी है मैं उससे सेफ हूँ। इस पैरेट का मैं सैडल ले लेता हूँ। पैरेट का बॉडी कहाँ पर है? ये तो मेरा बॉडी है एक्सट्रीम। उसने क्या पैरेट के बॉडी को भी खा लिया चीजों के साथ? छोरो क्या ही कर सकते हैं, मुझे एक दूसरा पैरेट भी टेम करना पड़ेगा। एंड इसलिए इस मॉड में इनिशियली आर्मर कुछ उतना खास नहीं है, क्योंकि कोई भी डायनोस हमें एक हिट में ही मार सकता है। ओके तो तीन एलिमेंटल डायनोस तो मैंने तुम लोगों को दिखा दिए, मुझे टेम करना है चौथे वाले को। मुझे चाहिए केओस्टिक पैरेट। इसे केओस्टिक ही बोलते हैं ना, कॉस्टिक भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो। आई थिंक कॉस्टिक ज्यादा सेंस बनाता है। यहाँ पर एक 145 लेवल का है, इसके पीछे जाते हैं। ये 145 लेवल वाला चलो फीमेल भी है, क्योंकि मुझे एलिमेंटल के एग्स भी चाहिए। ये रहा ये पैरेट, इसका 81 के का टॉर्पोर है, मारते हैं। वो आ रहा है मेरे पीछे। ये डायनोस काफी जल्दी भूल जाते हैं वैसे। ओए ओए ये क्या है, ये कौन मेरे पीछे पर गया? कॉस्टिक मेगा रैप्टर। रुको इसको मजा आ चुका है अभी। चलो मर गया ये। वैसे ये पैरेट थोड़ा छोटा नहीं लग रहा, इसको शार्क को मार रहा है। भाई बच जाना भाई पैरेट। हाँ भाई इसे शार्क को मार रहा था, ये शार्क को कुछ नहीं बोल रहा था। अगर मैंने मारा तो मेरे पीछे आ रहा है। वैसे ये मुझे बेहोश कर सकता है अगर मारे तो इससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। ओए 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 नहीं नहीं पॉइजन कर दिया इसने। हाँ भाई ये मुझे मारे जा रहा है और पॉइजन किए जा रहा है। भागो ये मर ना जाए कहीं। फक इसने मुझे बेहोश कर दिया। रूडोल्फ मार देगा इसे अब तो भाई। मर गया हमारा कॉस्टिक पैरेट यार। यही मैं बोल रहा था कि यही हमें बेहोश कर सकता है। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी के लिए कॉस्टिक पैरेट को रखते हैं, बट हम लोग कोई दूसरा एलिमेंटल डायनो टेम करते हैं। मुझे आज एक खास एलिमेंटल डायनो टेम करना है, जो की है फायर ग्रीफिन। आई नो तुम लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए, तो चल के इसे टेम कर लेते हैं। 140 लेवल का है यहाँ पर, एक ज्यादा दूर भी नहीं है, यही पर ही है ये। तो ये रहा फायर ग्रीफिन। अब मुझे जो है इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, आई थिंक ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। इसका 1,00,000 का टॉर्पोर है भाई, अगर मैं ध्यान न रखूं तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है वैसे तो। वो देखो उसने उसे एक बार में ही मार दिया। बट गाइस इसके लुक्स देखो तुम लोग, क्या ही एपिक लुक्स है इसके। मारना शुरू करते हैं, रुको बहुत सारे मारे मैंने। मुझे देखना पड़ेगा कि उसका टॉर्पिडिटी कितना बड़ा। ओके हाफ टॉर्पिडिटी हो चुका है उसका। चलो चलो बेहोश हो गया भाई, नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से इसे उतर के क्या देना होता है, क्या देना होता है? एलिमेंटल केबल। कितने चाहिए इसे? दो चाहिए। तो एलिमेंटल केबल और एक टेम हेल्पर। ये बंदूक लेके रखते हैं, इसे जल्दी से ले लेंगे। ओके चलो गाइस ये यहाँ पर टेम हो चुका है, अब इसे इसमें ले लेते हैं। घर चल के इसे देखेंगे, ये बहुत ही खास होने वाला है। तो देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपने घर पे आ गए हम लोग। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इस ग्रीफिन को सैडल चाहिए होगा, क्योंकि ग्रीफिन को नॉर्मली तो सैडल नहीं चाहिए होता। देखते अपने फायर ग्रीफिन को, जो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है दिखने में। देखो जरा भाई इसके आंखें देखो तुम लोग, क्या ही एपिक लग रही हैं। रुको मैं इनको भी हटा देता हूँ। अब देखो नॉट गोना लाइ, लुक्स तो काफी एपिक है। और हाँ हम लोग इससे सैडल के बिना ही राइड कर सकते हैं। और ये देखो गाइस ये उड़ता हुआ कुछ ऐसा लग रहा है दिखने में, इसके बॉडी से यहाँ पर फुल आग निकल रहा है। और हम लोग कुछ ऐसे ग्लाइड भी कर सकते हैं ग्रीफिन के साथ। ये ग्रीफिन का बहुत ही अच्छा फायदा है, ऐसे हम लोग बहुत ही स्पीड से ग्लाइड कर सकते हैं, इतना स्पीड से कि कंप्यूटर ही लैग हो जाए। चलो तो इसका अटैक देख लेते हैं। 1600 का अटैक ठीक ठाक, राइट क्लिक का अटैक देखते हैं। रुको 3200, चलो ये बढ़िया है। ओके गाइस तुम लोग राइट क्लिक का एनिमेशन देखा तुम लोगों ने? आई थिंक इसके राइट क्लिक का एरिया ज्यादा है। देखो जरा यहाँ पर कितना ज्यादा एरिया कवर करता है। रुको इसका लेवल अप भी हो चुका है, इसका मिली डैमेज बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं इसका मिली डैमेज। वैसे ये कौन सा डायनो है? ओके 4900 का मिली डैमेज लेवल अप के बाद, ये सच में बहुत ही बढ़िया हो चुका है। और मेरे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस पोर्शन भी है, बट छोड़ो एक्सपीरियंस पोर्शन हम लोग एपेक्स के लिए बचा के रखते हैं, क्योंकि हम जो एपेक्स वाला टीम करेंगे वो तो इससे भी खतरनाक होगा। बस मुझे थोड़े बहुत बुलेट्स बनाने पड़ेंगे, और बुलेट्स की रेसिपी भी मैं भूल चुका हूँ, शायद ये बनाना पड़ता है। 40 एडवांस स्नाइपर बुलेट मैंने बना लिए, अब इनसे मुझे बनाना है आई थिंक ट्रैंक बुलेट्स, नहीं इससे मुझे प्राइमल राइफल बुलेट्स बनाना है। चलो तो सारे इंतजाम मैंने कर लिए, अब बना लेते हैं बहुत सारे बुलेट्स। एपिक्स के बुलेट्स ही बना रहा हूं मैं, 36 बन गए यहां पर। और देखते हैं लॉन्ग ग्रास आया कि नहीं, रूटलिंग तो चल रहा है। ओके आ गए थोड़े बहुत लॉन्ग ग्रास, देखते हैं इनसे कितने केबल बनते हैं। आई थिंक दो तो बन ही जाएंगे। ओके दो तो, एलिमेंटल एक चाहिए मुझे एक और। चलो कोई ना एक ही केबल से काम चला
चला लेंगे फिलहाल तो। इसके पास एलिमेंटल एग है क्या? नहीं, इसके पास एलिमेंटल एग नहीं है। और इसका कलेक्शन ऑप्शन में अभी ये फेसेस को हटा देते हैं और इन्हें फेंक देते हैं क्योंकि अभी ये हमें नहीं चाहिए। वहां पर वो कॉम्पोस्ट बिन पूरी तरीके से फुल हो चुका है। ये एलिमेंटल डायनोस अगर अंडे दे तो अच्छा हो। और यहाँ पर क्या हालत हो गई इस जगह की। चलो कोई ना, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी चलते हैं अपने पहले एपेक्स डायनो को टेम करने। लेकिन एपेक्स टेम करे तो करे क्या, मुझे कोई ऐसा डायनो चाहिए जो कि मेरे काम में आए। और हाँ, फीमेल भी होना चाहिए क्योंकि हमें एपेक्स के एग्स भी चाहिए होंगे। एपेक्स डोडोरेक्स क्या है, चल के देखते हैं थोड़ा। वो रहा हमारा एपेक्स डोडोरेक्स जो कि रेक्स की तरह ही है दिखने में। अच्छा, ये डोडो और रेक्स का मिक्सचर लग रहा है देखो। और इसे एपेक्स केबल से हम लोग टेम नहीं कर सकते, इसे एपेक्स बॉस केबल चाहिए। इसे तो टेम नहीं कर सकते फिलहाल। पर एक वट भाई डरा दिया उसने, कितना ज्यादा हेल्थ ले लिया। दूर चलते हैं। बस डोडो आइवन ने अटैक किया था मुझपे। ये क्या है, रॉक ड्रेक 175। ये लोड क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये कौन सा डाइनो है भाई? ये तो इनविजिबल है। ये इनविजिबल है या ये लोड नहीं हुआ है? लो छोड़ो मुझे, क्या चलते हैं। ये डीमनिक के डाइनोस यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं? डीमनिक बहुत ही डेंजरस होते हैं। और यहाँ पर एक अल्फा डिफेंस यूनिट, चले जाओ भाई साहब समुंदर में। ओके, उसे तो फुटबॉल बना दिया मैंने। और गाइस देखो, मैंने इस डायनो को भी यहाँ पर लाके रख दिया था, ओमेगा इंडोनोमियस रेक्स या जो भी है। चलो चलो, कोई सा भी एपेक्स डायनो टेम करते हैं। रैवेजर नाम तो अच्छा लग रहा है, इसे टेम करते हैं चल गए। बट रुको, मेल है, मेल तो नहीं चाहिए मुझे, फीमेल चाहिए। अच्छा, फीमेल एक भी रैवेजर नहीं है यहाँ पर। बेसिलिस क्या है, मछली का नाम है क्या कोई? अच्छा, ये है एपेक्स बेसिलिक, ये है क्या? अच्छा भाई 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 भाई, नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही बस, मैंने तुझे मछली नहीं बोला भाई, तूने नहीं सुना। ये तो गाइस बहुत ही खतरनाक लग रहा है मुझे। रुको रुको रुको, इसे टेम करते हैं। फुल बैड है सही है तो। इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। चलो ये तुम्हारा, और बेसिलिस्क मुझे चाहिए, बेसिलिस्क। तो इसे मार के देखते हैं। ओके हेलो, वो एक में ही बेहोश हो गया। Are you sure कि ये बेहोश हुआ है? अनकॉन्शियस। अगर ये अनकॉन्शियस हुआ है तो ये मिट्टी के अंदर क्यों है भाई? मैं इसे टेम नहीं कर सकता क्या? नॉन टेमेबल है क्या? टेमेबल तो है नॉकआउट में, आई थिंक शायद ऐसे ही टेम हो जाएगा। रुको, खिला के देखते हैं। इसे एक ही एपेक्स केबल चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, मैंने ये भी नहीं देखा था। अरे ये टेम क्यों नहीं हो रहा भाई? एपेक्स केबल तो दिया है इसे मैंने। भाई टेम हो जा, कितना टाइम लगेगा इसे? मुझे नहीं पता, क्या कोई ग्लिच हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर टेमिंग का तो ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा। ये देखे देखते हैं, टेम हेल्पर 100। हेलो, व्हाट इज हैपनिंग भाई? ये टेम होने वाला है क्या? अगर होना होता तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था। इसका सिर्फ अनकॉन्शियस बार दिखा रहा है, टेमिंग बार नहीं दिखा रहा। बट इधर दिखा रहा है कि ये टेमेबल है, आई डोंट नो। छोड़ो चलो, किसी और एपेक्स बेसिलिक्स पे ट्राई करते हैं। इस तरफ है एक ज्यादा लेवल का 145। अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बेसिलिक्स टेम नहीं होते शायद। बट टेमेबल तो लिखा दिखा रहा है, आई डोंट नो ये कोई ग्लिच हो रहा है या नहीं। ये रहा एक और एपेक्स बेसिलिक्स, और वो क्या आ रहा है? हेलो, वो वहां पर धुआं धुआं क्यों हो रहा है भाई? वही नहीं। और वहां पर एक खतरा भी है, इन लोगों का टॉर्पिडिटी वैसे काफी कम है। चलो बेहोश हो गया ये भी, और ये भी ऐसे मिट्टी के अंदर चला गया। मिट्टी खाने के शौक है भाई। वही नहीं नहीं, ये कौन आया, ये कौन आया? हेलो, रीपर किंग, रीपर क्वीन। ये अच्छा, ये दोनों ही थे, रीपर किंग और क्वीन। भाई शांति से टेम भी नहीं करने देते डायनोस को ये। ओ, उस डायनो को मार रहा है भाई। आ जा। 72 का डैमेज लग रहा है सिर्फ। क्या भाई, वो क्वीन है तो उस पे क्या डैमेज नहीं लगेगा? यहाँ पर क्या ही खतरनाक डायनोस घूम रहे हैं भाई। मुझे बस अपने एपेक्स बेसिलिस्क को टेम करना है भाई। मुझे भाई, तू टेम हो जा। ये टेम होएगा क्या? टेम हेल्पर भी मैंने खिला दिया, बट इसका भी टेमिंग बार नहीं दिखा रहा। इन लोगों के टेमिंग का क्या कोई दूसरा प्रोसेस है? मिट्टी वट्टी के अंदर जाना पड़ता है क्या? आई डोंट नो। छोड़ो, ये भी टेम नहीं हो रहा, किसी और डायनो को देखते हैं। एपेक्स थॉर्नी ड्रैगन है, थॉर्नी ड्रैगन को टेम कर तो सकते हैं वैसे। चलो गाइस, तो एपेक्स थॉर्नी ड्रैगन को ही टेम करते हैं, और इसके नाम से टीम मत हटाना कोई। ज्यादा दूर तो नहीं है, इस तरफ ही है आई थिंक। ओके, ये रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक अल्फा मैंटिकोर घूम रहा है, वो भी 1.9 मिलियन हेल्थ के साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सेफ जगह पर है हम लोग, बहुत ही कूल। आ जा भाई, तेरी कमी थी। उस एपेक्स थॉर्नी ड्रैगन का टॉर्पिडिटी उतना ज्यादा क्यों है? और एक हिट में मार दिया उसने। आज पता नहीं सारे के सारे काम बिगड़ ही रहे हैं। चलो, यहाँ पर मुझे एक और मिल गया, एपेक्स थॉर्नी ड्रैगन। मारते हैं इसे, एक और चाहिए मुझे। ओके चलो, बेहोश हो गया। ये वाला भी डिस्टर्ब करेगा क्या? अबे यार, इसे दो कीपर चाहिए एपेक्स के। आई एम इनसाइड डेड भाई। जिसको एक केबल चाहिए वो टीम नहीं हो रहा, जिसको दो केबल चाहिए उसके
किबल नहीं है मेरे पास। अरे तो करे क्या भाई। ओए रुको, एपेक्स के ग्रीफिन होते हैं तो मुझे एपेक्स पे शो क्यों नहीं कर रहा था अभी तक। मैंने एपेक्स ग्रीफिन लिख के सर्च करा फिर जाके मुझे दिखाया। यहाँ पर 135 लेवल का एक है बट आई थिंक उसे एक से ज्यादा चाहिए होंगे। इससे भी दो किबल चाहिए। रुको क्या मेरे पास एलिमेंटल एग्स आए, घर चल के देखते हैं थोड़ा सा। नहीं आए गाइस अभी तक एलिमेंटल के एग्स। पर ये एलिमेंटल बहुत ही स्लोली एग्स देते हैं। रुको गाइस यहाँ पर एक एपेक्स का ग्रीफिन है 90 लेवल का, इसे एक किबल चाहिए, इससे हम लोग पकड़ सकते हैं। रुको तो इसे मारना शुरू करते हैं। वैसे इसका कलर तो काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा टॉर्बिडिटी गई इसकी। फिर से मारते हैं। ओके वो भाग रहा है। ओके चलो बेहोश हो गया। चलो तो इसके इन्वेंटरी में जो है हम लोग रख देते हैं ये एपेक्स का किबल और एक टीम हेल्पर भी दे देते हैं। 200 वाला नहीं चाहिए होता है बट मैंने 200 वाला ही दिया क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही था। और चलो हमारे पास आ चुका है हमारा पहला एपेक्स डाइनो, इसे घर चल के देखते हैं। और यहाँ पर अंधेरा सा छा गया है, आई थिंक बारिश हो रहा है क्या, नहीं वेदर तो तूफान जैसा हो रहा है थोड़ा। ओके तो गाइस ये रहा हमारा ग्रीफिन, वो भी एपेक्स वाला। इसके लुक्स भी ठीक ठाक है और इसके आंखें भी चमक रहे हैं। यहाँ पर फायर वाले के लुक्स ज्यादा अच्छे हैं। आई थिंक इसका डैमेज ज्यादा हो सकता है शायद उससे। हाँ इसका सिर्फ 1000 का डैमेज है भाई। वैसे ये थोड़ा कम लेवल का भी है, 145 लेवल का भी देखा हम लोगों ने बट उसे दो किबल चाहिए थे। एज अवर फर्स्ट एपेक्स डाइनो आई थिंक ठीक ही है, डिसेंट सा। और इसके राइट क्लिक पे कोई अटैक भी नहीं है, दुख भाई। और यहाँ पर मैंने दो ब्रांचियोसॉरस को गुस्सा दिला दिया है। वैसे तो इसके पास कोई राइट क्लिक वाला अटैक नहीं है, ये थोड़ा सा डाउन साइड लगा मुझे। बट इसका स्टेमिना काफी ज्यादा है, इसका मिली डैमेज बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका मिली डैमेज थोड़ा कम है। हेल्थ काफी ज्यादा अच्छा है, 78,000। ओके 1700 का मिली डैमेज, चलो ठीक ठाक तो है। मेनली इसे हमें एपेक्स के एग्स मिल जाएंगे तो हम लोग प्रोग्रेस कर सकेंगे। वैसे ग्रीफिन्स एग्स देते हैं क्या, मुझे ठीक से नहीं पता कि ग्रीफिन्स एग्स देते हैं कि नहीं। और यहाँ पर बाहर मौसम क्या हो रहा है भाई, तूफान सा छा गया है, दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ ठीक से और अंदर भी यहाँ पर फुल अंधेरा हो रहा है। A few moments later. Okay, तो I think अभी वेदर ठीक हो गया है, अभी इसके लुक्स देख सकते हो तुम लोग क्लियरली। ये थोड़ा येलो और ब्लैक कलर का है और इसका लुक भी मुझे काफी पसंद आया। और इसके तो क्या ही कहने, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है इसे। और इस हेलमेट में मैंने स्किन लगाया है तो क्या अजीब लग रहा है, मैंने अभी नोटिस किया। तो गाइस मैं सोचा आज के लिए यही तक रखते हैं। आज हम लोगों ने इन दो ग्रीफिन्स को टेम किया, एक है एलिमेंटल फायर ग्रीफिन और एक है एपेक्स ग्रीफिन। इस एपेक्स वाले का साइज तो मुझे थोड़ा सा बड़ा भैया जैसा लग रहा है इसके। नेक्स्ट तो में हम लोग और भी अच्छा एक एपिक्स डायनो टेम करेंगे जो कि और भी पावरफुल होगा। और मुझे ऑफ कैमरा और थोड़े एलिमेंटल डायनोस टेम करने मिलेंगे ताकि एलिमेंटल के एक्स की कमी ना हो। तो वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर देना। आज का लाइक हम रखते हैं हम लोग फिर से 100 लाइक्स का। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग अगले वीडियो में आर्क प्राइमल फियर के।